इंसान के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम देखेंगे व्यू मेनू। यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो बेसिकली हमारा कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट सिस्टम को ओपन करता है वो क्या रहता है, प्रिंट लेआउट। उसके बाद दूसरा जो हमारा मेन्यू होता है वो है ये, ठीक है, फुल व्यू, ठीक है, फुल स्क्रीन में हम देख सकते हैं। तीसरा है इंटरनेट पर जैसा पेज खुलता है, अगर हमको उस तरीके से देखना है तो हम इस तरीके से किसी पेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो साइड के बॉर्डर हैं वो हट गए हैं और जो ऊपर है हमको जो मेन्यू मिलता है, जो टूल बार्स मिलते हैं वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर आउटलाइंस। ठीक है, तो आउटलाइंस यहाँ पर हम कोई दूसरा पेज ले लेते हैं, जैसे ये फाइल है हमें ले लिए और यहाँ पर हम देखते हैं आउटलाइंस। ये अगर जो मेन्यू इस तरीके से देखिए, इनको पॉइंट वाइज जो साइड पर पॉइंट आप देख सकते हैं उसके थ्रू डिफाइन किया गया है। अगला जो मेन्यू है वो है हमारा ड्राफ्ट। इस तरीके से इसको ड्राफ्ट वाइज अरेंज किया गया, आप देख सकते हैं पूरा डाटा जो है ड्राफ्ट वाइज जमा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पांच व्यू में किसी भी डाटा को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा ऑप्शन है रूलर। ठीक है, ये है रूलर। रूलर आप देख सकते हैं एक इधर है और एक इस साइड है, यहां पर एक इधर भी रूलर है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। रूलर अगर हम इस ऑप्शन को हटाए तो सभी तरफ के रूलर हट जाएंगे और हमको मार्जिन को सेट करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि रूलर हमेशा इसमें बना रहे। और उसके बाद है ये डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप मतलब जहां पर जितने पेज में आपके जितने भी कंटेंट रहेंगे, इसके लिए फिर से हम उसी पेज की तरफ चलते हैं हमारे इस नॉर्मल पेज की तरफ और यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंट मैप। तो ये देखिए जैसे हमने डॉक्यूमेंट मैप किया, ठीक है, इसमें जितने भी कंटेंट रहेंगे वो हमको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक मैटर है, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट मैप करके एक बार देखते हैं। ठीक है, तो मैप में खुला हुआ है, यहाँ जैसे हम पिक करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं थंबनेल, तो सारे डॉक्यूमेंट हमको अलग अलग पेज में दिखाई देते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो पेज हमारे स्क्रीन के सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंट मैप। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टच करता हूँ पूरे ग्रिड के शेड यहाँ पे ऑप्शन बन जाते हैं। ये देखिए ये ग्रिड मेनू है। ठीक है, ठीक है, ये ग्रिड लाइंस हैं। उसके बाद ये थंबनेल है। ठीक है, ये देखिए थंबनेल भी उसी ऑप्शन से रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं थंबनेल मतलब जो हर पेज का एक पिक्चर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हो जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, अब हम ग्रिड लाइन को हटा दें क्योंकि ग्रिड लाइन से हमको रीड करने में बहुत दिक्कत होता है, ये ग्रिड लाइन हट गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर जूम करना, तो यहाँ पर हम डाटा को जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतने बारीकी से हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको 200% जूम करते हैं तो देख सकते हैं कंटेंट बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, और जूम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ये नीचे, आप देख सकते हैं इसको हम अपने माउस से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेंटर पर रखते हैं तो हमारा जो डाटा है वो हमको सबसे परफेक्ट वे में दिखाई देता है। और इस तरीके से भी जूम किया जाता है, अगर एक पेज को देखना हो, दो पेज को देखना हो, पेज विड्थ के हिसाब से देखना हो, तो इस तरीके से। ठीक है, बाकी बेसिकली सबसे अच्छा व्यू, ठीक है, 100 पर हम रखेंगे ये, इस तरीके से ये सबसे अच्छा व्यू माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे न्यू विंडो। अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ के एक से अधिक विंडो खोल सकते हैं, जैसे देखिए इसके दो विंडो खुल चुके हैं, इसे मैं आपको ऊपर के दिखाता हूँ। ठीक है, ये सिंगल विंडो है, इसके हम दो विंडो खोल सकते हैं, ये न्यू विंडो की है। ठीक है, तो एक और विंडो खुल चुका है। ठीक है, अगर हम इसको अरेंज आल पे जाते हैं तो इसको हम प्रॉपर जमा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने अरेंज आल किया तो ये डाटा ऊपर चल रहा है और ये डाटा नीचे चल रहा है। तो इसमें अगर कुछ एडिटिंग करना हो तो यहाँ से देखकर इसमें कर सकते हैं, या इससे कुछ एडिटिंग करना हो तो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम साइड बाय साइड अरेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये दोनों साइड बाय साइड अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला हमारा जो ऑप्शन है स्प्लिट की तरफ। तो हम डाटा को एक फाइल को दो भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे मुझे अगर इस फाइल को यहाँ से दो भाग में तोड़ना है तो मैं स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट के बाद मुझे यहाँ पे इसको बैठा देना है ये इस तरीके से। तो ये देखिए आधा डाटा ऊपर जा रहा है और ये डाटा नीचे है। ठीक है,
हम इस तरीके से डाटा को स्प्लिट करके दो भाग में देख सकते हैं, एक ही डाटा को दो भाग में देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम रिमूव स्प्लिट करते हैं तो ये स्प्लिट है वो टूट जाएगा और ये दो भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्विच विंडो, ये बहुत ही सरल है, दो विंडो खुले हुए हैं जिसमें भी आपको जाना है आप जंप कर सकते हैं, ठीक है। और स्विच विंडो का यूज मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए दो फाइल खुले हुए हैं, ठीक है। और हम यहाँ समझ सकते हैं एक का फाइल का नंबर वन है और एक का टू है, तो हम टू में हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये टू हो गया, मेरे माउस के कर्सर को देखिए आप, है ना। और फिर से अगर हम वन करते हैं तो यहाँ पर फाइल का नाम चेंज हो गया, यहाँ पर वन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल चेंज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू में ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो है हमारा मैक्रो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक बार बार लेटर लिखना होता है और बार बार हर लेटर में हम सेम जो मैटर है उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर एक लेटर में आपको कुछ हिस्से को बार बार रिपीट करना है तो आपको उसको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, एक बार आप टाइप करके उसको मैक्रो में सेव कर लीजिए, आप बार बार उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ, ठीक है, और मैक्रो को हम नाम देते हैं सत्या, ठीक है। ओके, अब यहाँ मैं लिखता हूँ हमने इतना लिख लिया, इसके बाद हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यू मैक्रो में जाकर सत्या, ये फाइल हमारा मिल गया, ठीक है। अब मुझे इसको कहीं पर भी दोबारा पेस्ट करना है, किसी भी फाइल में, जरूरी नहीं कि इसी फाइल में, अन्य किसी फाइल में, तब भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए व्यू मैक्रो में हम गए और यहाँ पे हमने सत्या नाम से बनाया है, अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं सत्य प्रकाश कश्यप फ्रॉम जर्वे तहसील बलौदा, ठीक है, ये ओपन हो गया। आगे हम देखते हैं एक नया फाइल हम ले लेते हैं, बिल्कुल नया फाइल, ठीक है। यहां पर हम मैक्रो का यूज करते हैं, व्यू मैक्रो में गए, ये सत्यांश से नया मैक्रो हमारा बना हुआ है, ये देखिए। तो आप सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप कोई कोडिंग को बनाकर रख सकते हैं और जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप उसको सीधे पुट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आप कोई चीज़ बार बार टाइप करते हैं। तो हमारे इस मेनू पे यहीं तक, मिलते हैं अगले हमारे वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।